हेलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग आवाज़ आ रही है सबको ओके, लेट्स कंटिन्यू नाउ ओके okay. स्टूडेंट्स आज के क्लास में हम लोग बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन पढ़ने वाले हैं बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन एज यू ऑल नो लास्ट क्लास में हम लोग जो है हीट एंड ट्रायल मेथड के बारे में बात किए थे हीट एंड ट्रायल मेथड हीट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है ना कुछ उल्टा सीधा नंबर्स होते हैं जिन नंबर्स को रख रख के हम लोग चेक कर लेते हैं हालांकि इसमें भी हम आपको बोले थे कि पहले मेटल को बैलेंस कर लेंगे फिर नॉन मेटल को बैलेंस कर लेंगे फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे फिर हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेंगे तो इसमें एक सीरीज चला था पहले मेटल फिर नॉन मेटल फिर ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन ये ऐसे बैलेंस करना था आज की क्लास में एलियब्रिक मेथड के बारे में स्टडी करनी है एलियबरिक मेथड मेथड हो गया सॉरी फॉर दैट एलियब्रिक मेथड के बारे में बात करनी है ये जो एलिय मेथड होता है ये फुली मैथमेटिकल मेथड होता है मतलब इसमें गलत होने के पहले हम आपको वही सिखाएंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स चाहिए मैथमेटिक्स में जो आपको छोटे क्लासेज में सेवन एट्स क्लासेज में पढ़ाए जाते हैं जैसे रेशियो के बारे में बताया जाता है तो हम रेशियो पर थोड़ी सी बात कर लेंगे आप लोगों से ठीक है ना फिर थोड़ा सा बात कर दिया जाता है वहां पर आप लोगों को आ, इक्वेशन को सॉल्व करने से रिलेटेड ओके तो हम लोग इक्वेशन से रिलेटेड बातें कर लेंगे ओके लेट्स स्टार्ट क्लास नाउ एक बार सभी लोग स्टार्ट लिख देंगे तो क्लास को स्टार्ट कर दिया जाए एक बार सभी लोग स्टार्ट लिख दीजिए तो Okay, very good. Okay. <laughs> नमूना सबके कम ही नहीं है चलिए ठीक है स्टार्ट कर दिया जाए फिर ध्यान से देखिएगा यहां पे कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स हैं जिनके बारे में हम लोगों को बात करनी है ठीक ना चलिए बैलेंसिंग बाय एलियब्रिक मेथड एलियब्रिक मेथड का यूज करने वाले हैं एलियब्रिक मेथड का मतलब हो गया मैथमेटिकल मैथ्स का यूज करने वाले हैं मैथ्स का यूज करने वाले हैं मैथ्स में दो चीजों की जरूरत पड़ेगी हमें फर्स्ट इक्वेशन के बारे में हमें समझना होगा कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं और दूसरा थोड़ा सा हमें रेशियो की जानकारी होनी चाहिए कि रेशियो कैसे निकाला जाता है देखिए हम थोड़ा सा इक्वेशन के बारे में आपको समझा ही देते हैं मान के चलिए कहीं पे लिखा हुआ है टू एक्स प्लस थ्री इजकल्स टू फाइव लिखा हुआ है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं कि हमें वेरिएबल को एक साइड में रखना होता है और कांस्टेंट को एक साइड में तो हम क्या करेंगे टू एक्स को लेफ्ट साइड में ही रहने देंगे और थ्री को उधर भेज देंगे तो फाइव माइनस थ्री तो टू एक्स इज इक्वल्स टू फाइव में से 3 जाएगा 2 2 से 2 कट गया वन टाइम्स में x का वैल्यू कितना आ गया वन तो ऐसे आपको छोटे-छोटे इक्वेशंस की जानकारी होनी चाहिए छोटे-छोटे इक्वेशंस की जानकारी होनी चाहिए फिर रेशियो के बारे में थोड़ा सा बता दें हम रेशियो का मतलब हो गया कि जैसे मान के चलिए अगर हम कहते हैं कि a रेशियो b है तो याद रखिए अगर आप दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2a रेशियो 2b तो अभी दोनों का दोनों रेशियो हमेशा इक्वल ही रहेगा रेशियो में अगर दोनों ही वैल्यूज में अगर हम सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर दें जैसे ए में भी हमने टू से मल्टीप्लाई कर दिया बी में भी टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो टू ए रेशियो टू बी हो गया अभी भी वो यही है कोई चेंज नहीं आया है अगर हम ए रेशियो बी है अगर हम ए में भी टू से डिवाइड कर दें और बी में भी टू से डिवाइड कर दें तो अभी भी ये सेम रहेगा रेशियो में डिफरेंस नहीं आता है अगर सेम वर्क सबके लिए किया जाए अगर सेम वर्क सबके लिए किया जाए मीन आप ए के लिए बी के लिए सबके लिए सेम वर्क करते हैं सपोज कहीं पे दिया हुआ है ए रेशियो बी रेशियो सी कहीं पे दिया हुआ है। हमने क्या किया सब में थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया थ्री ए रेशियो थ्री बी रेशियो थ्री सी तो याद रहे ये दोनों इक्वल रहेंगे कोई इनमें चेंज नहीं आएगा मतलब ये हो गया कि रेशियो में कुछ बदलता नहीं है अगर हम सब में सेम वर्क कर रहे हैं सेम वर्क कर रहे हैं सेम फंक्शन कर रहे हैं तो रेशियो में कुछ भी बदलता बिल्कुल भी नहीं है और इक्वेशन का फायदा उठा सकते हैं इन दोनों को हम लोग अच्छे तरह से समझ सकते हैं और इन्हीं दोनों का यूज करेंगे हम एल्जेबरिक मेथड से इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए एल्जेबरिक मेथड से क्वेश को बैलेंस करने के लिए तो इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी अगर वे कहीं बीच-बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है तो हम आप लोगों को वहां पे बताते रहेंगे चिंता नहीं करना है ठीक है ना चलिए एक एग्जाम्पल लेकर के स्टार्ट किया जाए एक एग्जाम्पल लेकर स्टार्ट करते हैं हम खूब बढ़िया से समझिएगा एल्लेब्रिक मेथड को स्टार्ट करने जा रहे हैं एक एग्जाम्पल के साथ एग्जाम्पल है कि मान के चलिए एग्जाम्पल में ए कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां पर हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है एक इक्वेशन दिया हुआ है जैसे मान लेते हैं यहां पर है ए एल प्लस सी एल टू इन दोनों ने आपस में रिएक्शन किया तो प्रोडक्ट बन गया ए एल सी एल थ्री क्योंकि आप जानते हो कि ए एल की वैलेंसी थ्री होती है और सी एल की वैलेंसी वन होती है तो ए एल वन और सी एल थ्री बन जाएगा अब पूछता है कि क्या यह बैलेंस्ड है तो नहीं है क्योंकि एल्यूमिनियम वन है एल्यूमिनियम वन है क्लोरीन टू है और क्लोरीन थ्री है ये बैलेंस्ड नहीं है अगर हमें हीट एंड ट्रायल से बैलेंस करना होता तो आपको हम बताए थे कि इस थ्री को यहां ला देंगे और टू को यहां लेके चले जाएंगे तुरंत बैलेंस हो जाएगा लेकिन ऐसे नहीं कर सकते हैं एकदम आराम से समझिए घबराइए मत दो तीन एग्जाम्पल हम पढ़ाते हैं पहले बढ़िया से समझ लेते हैं ना कमेंट की तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं देना एकदम पढ़ाई करना है बस ठीक है यहां एल्यूमिनियम है अगर हम यहां पर यहां पर और यहां पर इन तीनों के पहले कुछ लेट कर लेते हैं सपोज इन तीनों के पहले कुछ लेट कर लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं अपने से कोई वैल्यू मान लेंगे यहां पर ए मान लिए यहां पर बी मान लिए और यहां पर सी मान लिए अपने से कोई वैल्यू मान लेते हैं ध्यान से यहां ए यहां बी और यहां सी तो एज फॉर एग्जाम्पल हम छोटा सा एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं कि यहां पर थ्री ए एल टू और सी एल सॉरी थ्री ए एल टू थ्री है तो बताइए तो एल्यूमिनियम के कितने एटम्स हैं यहां पे जल्दी से कमेंट बॉक्स में एल्यूमिनियम के कितने एटम्स हैं और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं जल्दी से बताइए तो कमेंट बॉक्स में एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के कितने कितने एटम्स हैं फास्ट फास्ट ओके ओके वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है भाई बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं एल्यूमिनियम सिक्स और ऑक्सीजन नाइन है वेरी गुड चलिए ध्यान दिया जाए ठीक है अब कमेंट पर से ध्यान हटा लीजिए अब यहां पर देते हैं यहां एल्यूमिनियम है थ्री टू जा सिक्स और ऑक्सीजन है थ्री थ्री तो निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है जैसे एक और एग्जांपल हम अपने से बनाते हैं मान लीजिए दिया हुआ है यहां पे एम जी ना एन ओ का ट्वाइस कोई पूछे यहां पे मैग्नीशियम कितना है नाइट्रोजन कितना है ऑक्सीजन कितना है तो मैग्नीशियम के बगल में वन है तो मैग्नीशियम वन है नाइट्रोजन के बगल में वन है तो वन टू नाइट्रोजन टू है ब्रैकेट के बाहर टू लगा हुआ है ना और ऑक्सीजन के बगल में थ्री है तो थ्री टू जा सिक्स याद रहे तो या हम लोग कंपाउंड्स को एलिमेंट्स को ना एटम्स को काउंट कर लेते हैं कि किसके कितने एटम्स वहां पर प्रेजेंट हैं? लेकिन वही अगर इस जगह पे ऐसे रहता ना थ्री एम जी एन ओ थ्री का होल्ड तो अभी हमसे कोई पूछे कि मैग्नीशियम कितना है तो थ्री वन जा थ्री हो जाएगा मैग्नीशियम के लिए कोई पूछे कि नाइट्रोजन कितना है तो यहां पे नाइट्रोजन का वन है वन टू जा टू इन टू जो स्टार्टिंग में होता है थ्री टू जा सिक्स ऑक्सीजन थ्री टू मल्टीप्लाई यहां पे थ्री है इस थ्री को मल्टीप्लाई कर देंगे इजकल्स टू एटीन ये थ्री जो है ना ये सब में मल्टीप्लाई होता है सब में सब में मल्टीप्लाई होता है ये चीजों को आपको हम एटम काउंटिंग में क्लास में सिखा चुके हैं पहले से चलिए यहां पे बात किया जाए अब हम पूछते हैं फॉर यहां पे कौन कौन सी चीजें हैं उन पे बात की जाएगी एक है एल्यूमिनियम और एक है क्लोरीन चलिए खूब आराम से समझना है हम पूछते हैं कि एल्यूमिनियम इस साइड में कितना है यहां है वन वन इंटू a ए कोई और एल्यूमिनियम नहीं है कोई और एल्यूमिनियम नहीं है यह है इक्वल टू का साइन यहां पर वन है वन इंटू सी सी यह एक इक्वेशन बन गया यहां एल्यूमिनियम ए इंटू वन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ए इंटू वन ए हो गया और यहां पे बाकी कोई एल्यूमिनियम नहीं है और राइट right साइड में सी इंटू वन सी बन गया वैसे ही क्लोरीन टू इंटू बी टू बी थ्री इंटू सी थ्री सी जहां पे आप इक्वेशन लिख रहे हो ना उसी इक्वेशन के बगल में A का B का और C का और लिख देना ए बी सी अगर डी होगा ई e होगा एफ होगा सबको एक लाइन में ए का वैल्यू अपनी तरफ से वन मान लेना है अपनी तरफ से वन मान लेना नहीं मानोगे फिर भी बनेगा उसकी चिंता नहीं है ए का वैल्यू वन मान लो आप किसी का भी मान सकते हो हम ए मान के बनाते हैं जल्दी बन जाता है चलिए अब आपको बी और सी का वैल्यू निकालना है देख लिया जाए इक्वल टू सी मतलब जो ए का वैल्यू होगा वही सी का वैल्यू होगा तो ए का वैल्यू वन है तो सी का वैल्यू वन क्लियर क्लियर है चलिए अब देखते हैं इस वाले इक्वेशन में टू बी इजकल टू थ्री और इंटू सी का वैल्यू वन तो टू बी इजकल्स टू थ्री सो बी का वैल्यू थ्री बाई टू बी का वैल्यू थ्री बाई टू ए बी और सी जैसे ही तीनों निकल जाए आपका काम हो गया ए बी और सी जैसे ही तीनों निकल जाए आपका काम हो गया याद रहे अब हमें चलना है रेशियो के लिए अब हमें चलना है रेशियो के लिए रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी तीन टर्म है ना ए बी सी ए का वैल्यू वन बी का वैल्यू थ्री बाई टू और सी का वैल्यू वन चलिए ये नीचे वाले का एलसीएम करते हैं तो नीचे दूसरा कोई नंबर नहीं है तो टू है तो टू से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे हमने बोला ना कि रेशियो में सब में अगर सेम काम करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा टू से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया टू ये कट गया ये कितना आ गया थ्री और ये आ गया टू तो ए के सामने टू है a के जगह पे टू रखेंगे टू ए एल B के सामने थ्री है B के जगह पे थ्री रखेंगे थ्री सी एल टू और C के सामने टू है तो C के जगह पे टू रखेंगे टू ए एल सी एल थ्री बिना चेक किए आप कंफर्म कर सकते हो टू ए एल टू एल थ्री टूजा सिक्स सी एल थ्री टूजा सिक्स सी एल नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है क्लियर ये इक्वेशन जो है बैलेंस्ड है क्लियर है ना चलिए बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट बोर्ड देंगे तो गलत हो जाएगा नहीं नहीं चलिए ओके okay. एक और क्वेश्चन देख लिया जाए एक और एग्जांपल देख लिया जाए ठीक है ना चलिए अब एग्जांपल के थ्रू चला जाए अब एग्जांपल के थ्रू चला जाए ये आप लोग लिख लिए होंगे तो लिख लीजिए नहीं तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए ठीक है ना इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक और एग्जांपल देखा जाएगा उसके बाद हम आपको बोलेंगे ट्राई करने के लिए एक क्वेश्चन एक और एग्जाम्पल देखा जाएगा ठीक है ना चलिए घबराइए नहीं समझ में आएगा दस एग्जाम्पल आज हम लोगों को पढ़ने हैं अब ये फर्स्ट है दस और पढ़ने हैं ठीक है ना इसको छोड़ के चलिए नेक्स्ट चलिए एक एग्जाम्पल एक लेते हैं अच्छा वाला कहा गया जी हाँ चलिए इसको बनाया जाए बहुत इजी होता है इसीलिए इसको पहले हम बना लेते हैं एच टू प्लस ओ टू एच टू ओ देखिएगा यहां पे यहां पे और यहां पे हमें अपने तरफ से नंबर रखना है देखिए साथ में आप लोग भी बनाते चलिए कॉपी पे साथ में आप लोग भी बनाते चलिए ठीक है ना इस बार क्या करना है वो सोचा जाए आप लोग भी एक एक स्टेप लिखते चलिए और अपने से सोचिए कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए फिर हम बोलेंगे तो लिख लीजिएगा ठीक है H2 है कमेंट बंद करके आप सभी चैट बॉक्स को बंद कर दीजिए आराम से बस पढ़िए सब समझा देंगे चिंता नहीं कीजिए थोड़ा सा समय दीजिए समझ में आएगा इट्स माय गारंटी डोंट वरी तो H2 है O2 और H2O है पहले क्या करेंगे बाबू लोग बोलो आप लोग बोलो क्या करेंगे वेरी गुड सबसे पहले वेरिएबल लेंगे आपके दिमाग में भी चल रहा होगा एबीसी पहले ले लिया जाए तो हम यहां पर पहले एबीसी लेते हैं यहां पर ए लिख दिए यहां पर बी लिख दिए और यहां पर सी लिख दिए तो फॉर क्या लिखेंगे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जितने एलिमेंट्स यहां पर प्रेजेंट हैं उनको यहां पर लिख देंगे लिखते चलो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्लियर है चलिए हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं यहां पे टू इंटू ए टू इंटू ए दैट इज टू लेफ्ट साइड में इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है टू इंटू ए टू ए और कोई हाइड्रोजन है लेफ्ट में नहीं है राइट right में चलते हैं इक्वल टू ये एरो आ गया मतलब इक्वल टू का साइन टू इंटू सी टू सी क्लियर है चलिए अब ऑक्सीजन के लिए लिखा जाए टू इंटू बी टू बी बड़ी खराब मच्छर है जी खांच के भाग गया टू इंटू बी टू बी और इज इक्वल्स टू ओ के बगल में क्या है वन वन इंटू सी सी अब हमें ए बी और सी यहां पे कर लेना है ए का वैल्यू वन मान लेंगे अपने से बी और सी पता नहीं है यहां तक ठीक है यहां तक सब किसी का ठीक है ओके चलिए अब इसके आगे क्या है इस चीज को देख लिया जाए थोड़ा सा अब यहां से हर एक इक्वेशन लेके सॉल्व करेंगे पहले हम पहला इक्वेशन लेते हैं सिंस टू एजकल्स टू टू सी तो कैसे सॉल्व होगा टू से टू कैंसिल एज इक्वल टू सी बाबू ए और सी बराबर है तो A का 1, तो C का का क्लियर है चलिए अब टू बी इजकल्स टू सी दूसरे इक्वेशन में है सी का वैल्यू निकल चुका है तो टू बी इजकल्स टू वन तो बी इजकल्स टू वन बाई टू तो बी का वैल्यू हो गया वन बाई टू इतना निकालने में कोई परेशानी नहीं है इतना निकालने में आप लोग को भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई परेशानी नहीं होगी ठीक है चलिए आप लोग हमसे आगे बनाते चलो बेहतर होगा पता चल जाएगा कि बन पा रहा है कि नहीं अब रेशियो लेंगे रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी ए का वैल्यू वन बी का वैल्यू वन बाई टू सी का वैल्यू वन बोले हैं जो एलसीएम है उसे सबसे में, सब में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो टू से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे यहां जो नीचे एलसीएम होता है ना तो टू ए नंबर है टू से टू कैंसिल ए के सामने टू टू वन टू बी के सामने वन और सी के सामने टू हें A के जगह पे टू रखना है तो हमने टू एच एच टू माना था तो टू एच टू हो गया बी के जगह पे वन रखना है तो सिर्फ ओ टू होगा टू एच टू हो जाएगा टू एच टू हो जाएगा छोटे इक्वेशन से ये स्टार्ट किया जाएगा ना अब ये हो गया है बैलेंस्ड अब ये हो गया है बैलेंस्ड ओके चलिए ध्यान दीजिएगा बहुत इंटरेस्टिंग है चलिए आरएचएस में दिक्कत है आरएचएस में दिक्कत है आर एच एस में दिक्कत नहीं होनी चाहिए देखिए क्या होता है यहां पे यहां पे जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन है टू इंटू एल एच एस में और ऑक्सीजन है टू इंटू बी एल एच एस में टू बी RHS में चलते हैं तो टू इंटू सी हाइड्रोजन टू इंटू सी और ऑक्सीजन वन इंटू सी सी है अब इक्वेशन तो सॉल्व हो सकता है ना जी ओके 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 वेरी गुड अगर यहां ये वाला सिर्फ इस इक्वेशन का बात करें अगर ये क्लियर है तो लिख दीजिए तो क्लियर बाबू क्लियर लिख दीजिए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चला जाए नौ no क्वेश्चन और हैं, अगले क्वेश्चन को देखा जाए जल्दी जल्दी चलिए नहीं नहीं और अमायरा राय आर, बोर्ड एग्जाम में अगर डायरेक्ट बना देंगे तो गलत नहीं होगा बिल्कुल भी गलत नहीं होगा वो आपको हीट एंड ट्रायल यूज करने को होगा ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं बोर्ड में ये इलेवें ट्वेल्थ क्लास का मेथड है इसे बोर्ड में अप्लाई नहीं कर सकते हैं ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि बोर्ड में कुछ ऐसा इक्वेशन आ गया जो आपसे नहीं बन पा रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे ना लास्ट में इससे रफ पेज में इससे बना के और फिर हीट एंड ट्रायल लगा देंगे उसकी प्रैक्टिस हम कराएंगे बोर्ड की प्रैक्टिस 20 दिसंबर को स्टार्ट होता है 20 दिसंबर ट्वेंटी को स्टार्ट हो जाता है वो हम लोग कराएंगे कैसे किस क्वेश्चन का जवाब करना है डोंट वरी अबाउट दैट ओके 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 वेरी गुड थैंक यू ठीक है चलिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग इसको थोड़ा बनाइए हम दो मिनट का समय दे रहे हैं आपको दो मिनट का समय देते हैं आपको इस क्वेश्चन को आप बनाइए टू मिनट्स दो मिनट का समय देते हैं ना घड़ी से देख के चलिए तीन मिनट का समय देते हैं थ्री मिनट्स बाबू इंग्लिश का या जो भी सिलेबस है कल के टेस्ट का हम अभी क्लास लेके निकलते हैं तो टेलीग्राम पे अपडेट कर देते हैं हमको समय नहीं मिल पाया है क्लास से निकले हैं ना सेकंड बैच में तो बहुत डाउट से बच्चों को तो हमको लगता है सेवन तक तो डाउट सेवन फोर्टी तक डाउट ही चला आज क्लास में आठ बजे के आसपास में हम गए हैं रूम पे ठीक है ना तो थोड़ा समय लग गया है सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस हम निकलते हैं यहाँ से तो अपडेट कर देते हैं हालांकि हम पूछ रहे थे नहीं तो सिर्फ साइंस का कर देंगे डोंट वरी ओके सर न्यूट्रलाइजेशन बाबू न्यूट्रलाइजेशन एक रिएक्शन है जिसमें कोई भी एसिड किसी बेस से रिएक्शन करके और सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है और साथ में वाटर निकलता है तो एसिड अगर बेस से रिएक्शन कर रहा है ना तो होगा क्या कि एसिड Acid अपनी एसिडिटी खो देगा और बेस अपनी बेसिसिटी खो देगा तो दोनों मिलके एक न्यूट्रल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं इसीलिए हम इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो समझ में आया ना ओके ओके वेरी गुड वेरी गुड बना के कुछ लोग आंसर्स भी कर रहे हैं बहुत अच्छे वेरी गुड चलिए बहुत लोग का आंसर आ गया अब हम बनाते हैं हां हां अब हम बना लेते हैं इसको चलिए ये सी है प्लस ओ टू है एरो सीओ है यहां पे हम लोग को पुट करना है कुछ कुछ वैल्यूज यहां पे पुट करना है यहां ए यहां बी यहां सी देखिए फॉर कार्बन एंड ऑक्सीजन दो ही एलिमेंट है ना यहां पे। तो कार्बन कितना है ए इधर कोई और कार्बन नहीं है और इक्वल टू में सी और ऑक्सीजन टू बी और इक्वल टू में सी तो ए का वैल्यू वन बी का वैल्यू पता नहीं सी का वैल्यू जानते नहीं तो अभी हम लोग क्या करते हैं इस वाला इक्वेशन से एजकल्स टू सी है तो ए के बराबर सी है वैल्यू रख देते हैं और टू बी इजकल्स टू सी सी का वैल्यू वन तो बी का वैल्यू वन बाई टू वन बाई अब निकालते हैं रेशियो वन रेशियो वन बाई टू रेशियो वन कितना से मल्टीप्लाई टू से टू से टू कैंसिल टू रेशियो वन रेशियो टू टू रेशियो वन रेशियो टू इक्वेशन हमारा हो जाएगा टू सी प्लस वन है वन मतलब ओ टू कुछ नहीं लिखाएगा प्लस टू है तो टू सी ओ हो गया हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन टू रेशियो वन रेशियो टू आंसर आ रहा है बहुत अच्छे टू रेशियो वन रेशियो टू आ रहा है ओके वेरी गुड वेरी गुड चलिए ओके okay. <laughs> एक सब चलिए इसको थोड़ा बैलेंस किया जाए हम करते हैं इसको बैलेंस चलिए आप लोग भी करो हम भी करते हैं इसको देखते हैं सीओ थोड़ा टफ है ये क्योंकि ऑक्सीजन दो पार्ट में बटा हुआ है ध्यान से नहीं समझ में आए रुक के समझ लीजिए आप सब ऑक्सीजन दो पार्ट में बटा हुआ है थोड़ा इसमें इंटरेस्टिंग है इंटरेस्ट लेके बनाना है इसको CO प्लस ओ टू एर ओ सीओ टू तो यहां पे, यहां पे और यहां पे हमें नंबर्स रखने हैं ए रख दिए बी रख दिए सी रख दिए सो फॉर कार्बन एंड ऑक्सीजन दो ही एलिमेंट है ना चलिए कार्बन यहां पर ए है दूसरा कोई कार्बन एल में नहीं है आरएचएस में सी है ऑक्सीजन यहां पर वन टू ए ए है प्लस यहां पर टू टू बी टू बी है एल में दो जगह पे ऑक्सीजन है यहां पर ए टू वन वन इंटू ए ए है बीच में प्लस टू इंटू बी टू बी है इक्वल टू यहां पर टू सी है ए का वैल्यू वन बी का वैल्यू पता नहीं सी का वैल्यू जानते नहीं चलिए अब एज कल्स टू सी तो सी का वैल्यू वन अब यहां पे रखते हैं ए का वैल्यू वन टू बी और टू सी का वैल्यू वन वन प्लस टू बी इजकल्स टू टू तो टू बी इजकल्स टू वन को उधर भेज दे तो टू माइनस वन टू बीजकल्स टू वन तो b इजकल्स टू वन बाई टू यहां पर आ गया वन बाई टू ध्यान से देखिए a प्लस टू बी इजकल्स टू टू सी है तो a का वैल्यू वन यहां से लिख लिए 2B 2B टू बी का टू बी और सी का वैल्यू वन यहां से वन प्लस टू बीज कल टू वन जाके घट गया बी का वैल्यू हाफ आ गया अब निकालेंगे रेशियो वन रेशियो वन बाई टू रेशियो वन मल्टीप्लाई बाई टू तो क्या आ जाएगा टू रेशियो वन रेशियो टू यही हमारा आंसर है Hence, पहले टू तो टू सीओ फिर वन मतलब ओ टू और एरो में टू टू सीओ टू यहां कार्बन टू है यहां कार्बन टू है यहां ऑक्सीजन टू और टू फोर और, और यहां पे टू टू जा फोर इक्वेशन इज बैलेंस्ड अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है क्लियर ना ओके ओके वेरी गुड बहुत लोग बना लिए भाई डिलीट नहीं किया करो मैसेज अरे गलत हो गया सही हो गया कोई बात नहीं डिलीट नहीं किया करो ठीक ना गलत बात है ये हाँ हाँ सही है सही है चलिए वेरी गुड वेरी गुड यहां तक अगर समझ में आ गया एक बार ऑल क्लियर लिख दीजिए सब लोग ऑल क्लियर लिख दीजिए तो फिर आगे बढ़ते हैं एक से एक टफ इक्वेशन लेके आए आज डोंट वरी लिखते चलिए आगे बढ़ते चला जाए ऑल क्लियर लिख दीजिए मंडे को मंडे को इंग्लिश एस एस का नोट्स मंडे को कल दिन में निकलवाएंगे नोट्स है ना कुछ अभी रेडी नहीं हुआ था उसमें कल दिन में निकलवाएंगे ओके ओके थैंक यू थैंक यू बहुत अच्छे चलिए ठीक है एक आदमी जाके बोल दो तो गेट खोलना है क्लियर ना इधर नहीं जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे चलिए ये आप लोग भी बनाइए हम भी बनाते हैं ट्राई किया जाए आप लोग भी बनाओ तो भाई ये आप लोग भी बनाइए हम भी बनाते हैं देखते हैं कौन पहले बनाता है चलिए P4 फोर प्लस ओ टू एरो पी टू ओ फाइव इसको बोलते हैं फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड चलिए यहां पे पुट किया जाए यहां ए यहां बी और यहां सी क्लियर फॉर फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन देख लिया जाए फॉस्फोरस है फोर इंटू ए फोर ए कोई लेफ्ट में फॉस्फोरस नहीं है और टू इंटू सी टू सी है ऑक्सीजन है टू इंटू बी टू बी है और फाइव इंटू सी, सी है ए का वैल्यू वन बी पता नहीं सी जानते नहीं चलिए बना लिया जाए पहले हम इस इक्वेशन को उठाते हैं फोर ए कल्स टू टू सी टू से फोर कट गया टू टाइम्स में टू तो 2a टू सी ए का वैल्यू वन तो टू इंटू वन इजकल टू सी तो टू इजकल टू सी सी का वैल्यू कितना आ गया टू आ गया टू आ गया चलिए नेक्स्ट यहां टू बी इजकल्स टू फाइव सी दिया है तो टू बी इजकल टू फाइव और इंटू सी का वैल्यू टू टू से टू कैंसिल बी का वैल्यू फाइव यहां फाइव आ गया देखिए यहां वन फाइव टू कोई फ्रैक्शन नहीं है इसलिए हमें रेशियो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर यहां फ्रैक्शन होता ना तो रेशियो लेते डायरेक्ट आ गया हमारा वन रेशियो फाइव रेशियो टू डायरेक्ट आ गया वन मतलब पी फोर फाइव मतलब फाइव ओ टू और एरो टू मतलब टू पी टू फाइव सो so, हम लोग ये कह सकते हैं कि नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया बना है गुड अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया आप लोगों का <laughs> बहुत अच्छे, हमसे पहले बना के कमेंट कर दिया लो जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. पी फोर प्लस फाइव ओ टू चंदन अमन यादव लालू प्रसाद यादव अमायरा राय क्रेजी आशीष कुमार सिंह अमन मिश्रा ना म्यूजिक सुन प्रियांशु कुमार अनन्या ना पीयूष आकाश गुप्ता दिव्यम सनातनी निखिल कुमार चलिए सब किसी का नाम भी ले लिए सब लोग बना लिए हैं बहुत अच्छे वेरी गुड हाँ भाई इधर भी नाम ऐसा रखे हो कि नाम लेने में भी हमको डरे लग रहा है बीखे भोजपुरी <laughs> गलत बात है चलिए हाँ मनमीत सर फैन आपको भी ठीक है भाई निशान श्रीवास्तव राहुल कुमार चलिए बहुत अच्छे काफी लोग बना रहे हैं ठीक है शुभम कुमार पांडे अभिनंदन कुमार ब्रोटर नौशाद वेरी गुड चलिए एक और हो जाए नेक्स्ट इसे बनाए बहुत इजी है देखने में टफ है लेकिन बहुत इजी है हाँ भाई लालू प्रसाद यादव आपका नाम सबसे पहले ही लिए हैं नवनीत कुमार अच्छा नवनीत नौनीत है आयुष्मान कुमार प्रॉफ प्रॉफ से प्रोफेसर होगा क्या जी चलिए ये बनाइए ये बनाइए तो जल्दी से बहुत ईजी है नहीं बनाएंगे अच्छा चलिए देख लेते हैं इसको बहुत इंटरेस्टिंग है ये मजा आएगा इसको बना के चलिए हम भी बनाते हैं यहां पे एफ है और प्लस एच टू ओ है एरो है प्लस एच टू है चलिए यहां पे यहां पे यहां पे और यहां पे हमें कोई वैल्यू रखनी है ए बी सी डी चलिए और अगर आयरन है हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है यहां तीन चीजें हैं खूब आराम से घबराएंगे नहीं आराम से बनाएंगे आयरन कितना है मेरे भाई आयरन है ए और कोई आयरन नहीं है और आर में 2 सी टू सी है हाइड्रोजन टू इंटू बी टू बी है और आरएचएस में टू इंटू डी टू डी है और ऑक्सीजन बी है और आरएचएस में थ्री टू सी थ्री सी है ए का वैल्यू वन बी पता नहीं सी मालूम नहीं डी जानते नहीं चलिए सबका वैल्यू अप किया जाए सबसे पहले है ए इज एजिकल्स टू टू सी ए इज एजिकल्स टू टू सी सो ए का वैल्यू वन इज इजकल टू टू सी सो सी का वैल्यू वन बाई टू टू जब इधर आएगा तो वन बाई टू हो जाएगा ना वन बाई टू नेक्स्ट ये नहीं बना सकते ये पहले बनाएंगे बी इज इजकल्स टू थ्री इंटू सी का वैल्यू वन बाई टू तो बीक टू थ्री बाई टू ये थ्री बाई टू आई देखिए टू से टू कट जाएगा बी और डी बराबर हो गया बी और डी बराबर हो गया तो जो बी का वैल्यू वही हो जाएगा डी का वैल्यू क्लियर एबीसीडी हमारा आ गया काम खत्म ए बी सी डी हमारा आ गया काम खत्म तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी तो ए के जगह पे अपन वन रख देते हैं बी के जगह पे थ्री बाई टू रख देते हैं सी के जगह पे वन बाई टू रख देते हैं और डी के जगह पे थ्री बाई टू रख देते हैं अब काम है मल्टीप्लाई का तो मल्टीप्लाई करने के लिए नीचे का एलसीएम टू 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 कैंसिल टू रेशियो थ्री रेशियो वन रेशियो थ्री टू थ्री वन थ्री ना जी वेरी गुड तो टू एफ ई प्लस थ्री ओ नहीं एच टू ओ थ्री एच टू ओ एरो हो जाएगा एफई टू ओ थ्री क्योंकि वन है और थ्री एच टू ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया क्लियर है बहुत अच्छे बहुत अच्छे सर एग्जाम में हीट एंड ट्रायल मेथड बना बनाना सकते हैं हाँ बाबू चंदन बना सकते हैं एग्जाम में हीट एंड ट्रायल यूज करना अलाउड है बहुत लोग आंसर किया वेरी गुड आशीष कुमार सिंह सौ अच्छा टू थ्री वन थ्री टू थ्री वन थ्री ठीक है बहुत लोगों का है लालू प्रसाद यादव तो पूरा इक्वेशन ही लिख दिए हैं बहुत अच्छी बात है हालांकि बहुत अच्छे से इक्वेशन लिखे हैं आप थोड़ा सा मिस्टेक हो गया एफ जो है ना एफ ही का एफ और ओ छोटा हो गया है आपका बहुत अच्छे ठीक है ठीक है बहुत अच्छे एलिब्रिक क्यों पढ़े बाबू देखो एलियब्रिक इसलिए पढ़ा जा रहा ना सेफ्टी के लिए बोले थे और थोड़ा सा एडवांस हम बोले भी थे कि पढ़ के रखो अपने पास में कुछ ऐसा इक्वेशन आ जाएगा ना कि हो सकता है एग्जाम में आपका दिमाग खराब हो जाए हीट एंड ट्रायल से ना बने और एलजेब्रिक है कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है ये सॉल्व होगा ही होगा दिख रहे हो तो इसीलिए हम एलजेब्रिक पढ़ा रहे हैं ठीक है ठीक है ठीक है बहुत अच्छे चलिए क्लियर है क्लियर है क्लियर है सब किसी का ठीक है टू वन थ्री थ्री म्यूजिक सुन गलत है आपका टू वन टू थ्री वन थ्री होगा मेरे भाई हाँ हाँ क्लियर चलिए अगला चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिए साउट आउट दे दीजिए प्लीज ये क्या होता है साउट आउट साउट आउट क्या होता है समझाइए तब तो देंगे ना अब्दुल्ला खान एक क्वेश्चन है मेथड का ठीक है बोलिए लालू प्रसाद यादव यार एक अच्छा नाम अपना नाम बता दो उसी नाम से बुला लेंगे बहुत लोग लाइक कर रहे हैं भाई वीडियो को ऑक्ट्रोजन अभी अब, आए, अभी अब क्लास ओवल कीजिए ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनाया जाए देखिए इसमें हाइड्रोजन दो पार्ट में बटा हुआ है आराम से बनाइएगा हाइड्रोजन दो पार्ट में बटा हुआ है आराम से बनाइएगा <laughs> देखिए नीतीश कुमार भी आ टपके हैं लालू भाई आप यहां कैसे नीतीश कुमार भी आए हम लोग का वीडियो देखने बहुत अच्छी बात है ठीक है ना बताइए हाँ भैया अब्दुल्ला बनाइए इसको बताइए नीतीश कुमार लालू प्रसाद इतना बड़ा बड़ा पॉलिटिशियन लो हम लोग का एलजेबरी की क्वेश्चन पढ़ रहा है धन्य हो गया आदमी आज ना मजा आ गया बनाइए बनाइए तो इसको भाई मोदी जी बाकी है <laughs> क्लास में इलेक्शन करवा दीजिए डोंट वरी इलेक्शन तो नहीं कुछ दिन में एक काम किया जाएगा एक संडे को हम लोग ना टूर्नामेंट करवाया जाएगा ठीक है ना मैच करवाया जाएगा सब अपने खर्च से ठीक है ना थोड़ा इंटरेस्ट आए बच्चा लोगों स्पोर्ट्स भी दिखा जाएगा ना इलेक्शन से बढ़िया वही रहेगा ठीक है ठीक है बहुत अच्छे बनाइए लोग मोदी जी आते नहीं होंगे जी मोदी जी अकाउंट बना रहे होंगे अभी <laughs> मोदी जी अभी अकाउंट बना रहे होंगे बस पहुंच नहीं वाले हैं डोंट वरी चलिए इसको बनाया जाए भाई लोग बात नहीं ज्यादा ना पढ़ना भी है ना तो यहां सोडियम हो गया यहां एच टू ओ हो गया फिर एन प्लस एच टू चलिए ध्यान से देखा जाए यहां ए यहां बी यहां सी और यहां डी क्लियर है चलिए तो फॉर यहां सोडियम आ गया हाइड्रोजन आ गया ऑक्सीजन आ गया तो सोडियम कितने हैं ए और कोई सोडियम नहीं है और इक्वल टू में सी हाइड्रोजन टू बी और इक्वल टू में सी प्लस टू डी और ऑक्सीजन बी और इक्वल टू में सी तो ए का वैल्यू हो गया भाई मेरे वन बी का वैल्यू पता नहीं सी का वैल्यू मालूम नहीं डी का वैल्यू जानते नहीं चलिए अब बना लिया जाए ए इजकल्स टू सी तो सी का वैल्यू वन बीजकल्स टू सी तो बी का वैल्यू भी वन बच गया हमारा डी यहां से एजकल्स टू सी यहां से बी इजकल्स टू सी तो सबका वैल्यू वन 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 आ गया अब चलिए इ वाला इक्वेशनों को उठवा लिया जाए टू बी तो टू बी को पूरा लिख देते हैं मेरे भाई टू बीजकल्स टू सी प्लस टू डी तो टू इन टू वन इजकल टू वन प्लस टू डी तो टू इज वन प्लस टू डी वन इधर आ गया वन इजकल टू टू डी सो डी का वैल्यू वन बाई टू डी हो गया वन बाई टू तो अब हमें रेशियो निकालना पड़ेगा वन रेशियो वन रेशियो वन रेशियो हाफ टू से मल्टीप्लाई सब में चाह भाग गया एक मिनट एक मिनट ये मच्छर ना भागो यहां से पढ़ने आ गया है सब फ्री में वो हो तो टू से टू कट गया टू रेशियो टू रेशियो टू रेशियो, 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 रेशियो वन तो टू एन ए यार ये मच्छर बड़ा तो बड़ा परेशान किया अब मिटा के भाग जा रहा है आ? है ये पकड़ा जाओ तुम्हारा जान ले लेंगे आज हम टू एन ए प्लस टू एच टू ओ देखिए फिर टू एन एच अब प्लस एच टू देखिए टू एन ए टू एन ए टू टू ओ फोर हाइड्रोजन दो गो हाइड्रोजन यहां दो गो हाइड्रोजन यहां फोर हाइड्रोजन हो गया अब ये बैलेंस्ड हो गया एक बार हमको इसे ना बंद करके दोबारा ऑन करना होगा चलिए आ जाते हैं हाँ चलिए बन गया ना मोदी जी आ गए अच्छा देखिए आ गए जी वेरी गुड वेरी गुड चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे हम्म hmm. <laughs> ए भाई हमसे हाल चाल पूछ रहे हैं कह दे का लोनवा माफ करवा दीजिए हमारा कह दे ए लोन है कुछ हमारा देख लीजिए तो नहीं हो सके तो चलिए <laughs> नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये क्लियर है तो एक बार क्लियर लिख दीजिए तो थोड़ा सा टफ टाइप का क्वेश्चन था ये क्लियर है तो एक बार सब लोग क्लियर लिखे तो जल्दी से बहुत अच्छे बहुत अच्छे वेरी गुड निखिल कुमार अनन्या, अनन्न देखिए नीतीश कुमार क्या हैं। अरे मनमीत बाबू हम देख लेंगे डिटेल भेज दो हमको एक देख नमूना है हाँ रितु कुमार, ऋतुराज कुमार सिंह म्यूजिक सुन कोमल भारद्वाज शुभम कुमार पांडे निशांत श्रीवास्तव आयुष्मान कुमार अमायरा राय अमृत राज ब्रोटर पीएम नरेंद्र मोदी जी आज से आपका लोन माफ सर चलिए धन्यवाद ऑक्ट्रोजन पीयूष नीरज यादव नि... राहुल कुमार अमन मिश्रा सरबजीत कुमार अनन्या, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड लोन चाहिए नहीं भाई माफ करना है कितना का लोन था बाबू था नहीं है ठीक है ना अभय कुमार रोल सिक्सटीन चलिए थैंक यू नेक्स्ट पे चलते हैं चलिए इसे बनाए तो सब लोग जल्दी से इसे बनाइए तो जल्दी से फास्ट फास्ट आप लोग बनाइए बनाइए जल्दी से प्रैक्टिस भी हो जाएगा फिर हम बताएंगे तो पता भी चल कि कहां पे मिस्टेक हो रहा है देखिए कमेंट पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए सब लोग जब पढ़ाई तो पढ़ाई जब बात तो बात ठीक है ना चलिए ठीक है ठीक है ठीक है धन्यवाद ये बनाइए आप लोग वेरी गुड वेरी गुड एक आदमी का आंसर दो आदमी का आंसर आ गया जी चलिए अब हमको बनाना चाहिए बन गया क्या, क्या अरे वाह चलिए ए नहीं जी के सी एल ओ थ्री एरोल प्लस ओ टू चलिए देख लिया जाए यहां ए है यहां बी है यहां सी है और के सी एल ओ के हो जाएगा यहां पर ए और यहां पर हो जाएगा बी ठीक है ना सी एल हो जाएगा यहां पर ए और यहां पर बी और ओ हो जाएगा थ्री एज टू टू सी चलिए ए का वैल्यू वन बी का वैल्यू पता नहीं सी का वैल्यू पता नहीं यहां देखिए ए और बी इक्वल है तो बी का वैल्यू वन अब थ्री इंटू वन टू टू सी तो थ्री इजकल्स टू टू सी सी टू थ्री और टू जाएगा तो बाई टू थ्री बाई टू अब रेशियो लेना पड़ेगा वन रेशियो वन रेशियो थ्री बाई टू सब में टू से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि नीचे टू दिया है ना तो टू रेशियो टू रेशियो थ्री टू रेशियो टू रेशियो थ्री हाँ जी सही है आप लोगों का टू केसी एल ओ थ्री टू केसी एल प्लस थ्री ओ टू टू रेशियो टू रेशियो थ्री आ रहा है सही है आप लोगों का टू रेशियो टू रेशियो थ्री आ रहा है बहुत बढ़िया कुशवाहा चंदन बहुत बढ़िया बैलेंसिंग ऑल क्लियर है बहुत बढ़िया यार तीन तीन मेथड वो भी बहुत एडवांस लेवल पे पढ़ा दिए हाँ हिट एंड ट्रायल मेथड एलजेब्रिक मेथड स्टेप मेथड तो बबुआ है ना नीतीश कुमार एक डाउट है हाँ जी पूछ लीजिए ना अरे लालू प्रसाद यादव क्वेश्चनवा भेजोगे भाई मेरे तब ना टेस्ट एमसीक्यू होगा एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जैसे पिछला टेस्ट हुआ था <laughs> अभय कुमार रोल सिक्सटीन बहुत पिटाई होगा बहुत समझे ना तो कहा है जी अमित शाह देखिए अमित शाह भी आ गए सारा पॉलिटिशियन आज क्लास में रहेगा लोग केजरीवाल से आएंगे भीतर है तिहाड़ जेल में है केजरीवाल वहां मोबाइल थोड़ी अलाउड होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए चलिए बनाइए वो पिछला क्वेश्चन नहीं है ये अलग है उससे बनाए इसको पिछले से अलग है ये हाँ बाबू हाँ जी नीतीश कुमार ये अगला ही क्वेश्चन है देखिए यहां पे अगला क्वेश्चन यही है दस नंबर जो आप भेजे हैं कराते हैं इसको हम चिंता नहीं कीजिए सब क्वेश्चन कराएंगे वेरी गुड वेरी गुड राजकुमार सही है भाई हाँ जी लालू प्रसाद यादव आपका क्वेश्चन 10 नंबर है अभी 8 नंबर पे हैं पहुंच रहे हैं हमको मालूम था वो क्वेश्चन आप लोग करेंगे इसलिए हम उस क्वेश्चन को डाल ही दिए आज हम आप लोग का दिल का बात जान जाते हैं भाई चलिए बनाइए इसको जल्दी से ए राजकुमार ये कैसे पावर बना रहे हो भाई हमारा मोबाइल में तो ऑप्शन ए नहीं है तो हम वो बनाई बनाई इसको बनाई तब तक हम नहीं कमेंट करके देख लें कैसे पावर बनता है हाँ जी बन जा रहा है हमारे मोबाइल में भी डिजिट को दबाए रखना पड़ रहा है तब पावर में जा रहा है हाँ 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 चलिए अब आए ओरिजिनल पीएम नरेंद्र मोदी चलिए <laughs> योगी आदित्यनाथ <आधी> <laughs> हो गया आज पढ़ाइए होगा चलिए बनाइए कोई एक आदमी भी आंसर कर दे आयुष्मान कुमार आंसर कर दिए हैं चलिए अब हम बनाते हैं एक आदमी भी आंसर कर देता है तो हम बना देते हैं क्या हुआ बना सबसे बन रहा है बचवा बना थोड़ा सा बाकी है जल्दी बना चलिए भाई आप लोग का भी देख लिया जाए Fe प्लस एच टू ओ एर एफ ई थ्री ओ फोर प्लस एच टू चिंता नहीं कीजिए जल्द ही हमारे ख्याल से मंडे से ऑनलाइन में बायो चालू करने वाले हैं मंडे से ऑनलाइन में बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं चिंता नहीं कीजिए इसी में यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक है ना बायो है स्टार्ट करने वाले हैं चलिए देखा जाए यहां ए हो जाएगा यहां बी हो जाएगा यहां सी हो जाएगा और यहां डी हो जाएगा फॉर एफ ई -E के लिए एच के लिए और ओ के लिए देख लिया जाए एफ ई -E हो जाएगा ए और इधर हो जाएगा थ्री सी एच हो जाएगा टू बी इधर हो जाएगा टू डी और ओ हो जाएगा बी इधर का हो जाएगा भैया मेरे फोर सी तो ए का वैल्यू वन बी पता नहीं सी मालूम नहीं डी जानते नहीं चलिए बनाया जाए E इसको उठवा लिया जाए ए इजकल्स टू थ्री सी तो वन इजकल्स टू थ्री सी तो सी इजकल्स टू वन बाई थ्री सी का वैल्यू आ गया वन बाई थ्री चलिए इसको बनाया जाए बी इजकल टू फोर इन टू वन बाई थ्री तो b का वैल्यू हो गया फोर बाई थ्री चलिए b आ गया फोर बाई थ्री और टू से टू कट गया b और d बराबर है तो ये भी क्या हो जाएगा देरी b बाई थ्री लिख दिया हम फोर बाई थ्री ना जी और फोर बाई थ्री ये भी हो जाएगा तो रेशियो निकाला जाए हटो जी ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी तो ए का वैल्यू वन है भैया लोग बी का वैल्यू फोर बाई थ्री सी का वैल्यू वन बाई थ्री और डी का वैल्यू फोर बाई थ्री चलिए मल्टीप्लाई कर दिया जाए थ्री है, थ्री 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 खत्म थ्री रेशियो फोर रेशियो वन रेशियो फोर थ्री फोर वन फोर तो थ्री एफ ई प्लस फोर एच टू ओ एफ थ्री ओ फोर प्लस फोर एच टू ये हो गया बैलेंस्ड ओके ना ये हो गया बैलेंस्ड बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था अरविंद केजरीवाल को ले आया सब गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया देख रहे हैं ऑनलाइन में खाली एक से एक पॉलिटिशियन लोग घूम रहा है लोग कौन है जी एस जी चलिए <laughs> चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए चलिए इसे बनाया जाए इसे बनाइए जल्दी से कमेंट बाजी बंद पहले पढ़ाई उसके बाद में कमेंट बाजी भैया लोग पढ़ाई करना ज्यादा जरूरी है हम लोगों को चलिए जल्दी जल्दी से इसको सॉल्व किया जाए चलिए अमन यादव सही है भाई आपका शो नहीं कर रहा है कमेंट शो नहीं कर रहा है किसी को शायद आपका फॉन्ट में कुछ प्रॉब्लम है फ़ॉन्ट एक बार चेंज करके देखिए हाँ भाई फैजल हमको भी लगता है फैन फॉलोइंग अब हमारा बढ़ रहा है कुछ दिन में हम भी सेलिब्रिटी जैसे हो जाएंगे ना जी गुड अब जल्दी जल्दी बना दीजिए लोग कोहल ने सेंचुरी मार दिया आ कोहली नहीं मार सकता है तो ये लिखा है लोग कोहल सेंचुरी मार दिया ठीक है ठीक है सरबजीत अरे सरबजीत कुछ लोगों का वीडियो बैक चल रहा है लाइव में कर लीजिए लाइव में कर लीजिए ये वो लिख रहा है सरब बहुत आगे जाएंगे अच्छा हमारा डायलॉग हम ही पटराई चलिए बनाया जाए किसी का आंसर नहीं आया एक आदमी का आंसर आ जाता ना तो बना देते आप हमारे पोस्ट पे आ जाइए सर तो आपको कुछ चाहिए हाँ भाई लोनवा माफ हो जाता ना तो टेंशन खत्म हो जाता एक भी आदमी का आंसर आ जाता तो हम बना देते जल्दी से ये हमारा टी शर्ट वाल वा, हमारा शरीर का कलर दोनों सेमे हो गया है ना जी ये भी काला हम भी काले हाँ, आ गया आ गया पीएम मोदी दे दिया आंसर सबसे पहले सामरीन हयात का भी आया है ठीक वन -टू, वन -टू, वन -टू, वन -टू, है ठीक है कितना लोन है बाबू आप जो लोन लिखे हो ऑक्ट्रोजेन वो लोन लोन पेयर के लिए होता है इलेक्ट्रॉन के लिए यूज होता है एल ओ एन ई हमारा वाला एल ओ एन है उन्हें चालीस हजार का चलिए एमजी ओ एच का होल्टवाइस प्लस एच सी एल एम जी सी एल टू प्लस एच टू ओ तो भैया जी लोग यहां पे अपन क्या करेंगे यहां ए यहां बी यहां सी और यहां डी लगा देंगे अभी करते क्या है फॉर एम जी है ओ है एच है और सी एल है इसमें चार गो है घबराना नहीं है बिल्कुल ना आराम से बनाना है एक एम जी है ए दूसरा कोई नहीं है और इक्वल टू इधर कौन है डी ऑक्सीजन दो गो यहां है टू ए यहां टू है ना वन टू जा टू अब फिर यहां मल्टीप्लाई तो टू ए जा ए ना जी हा अब क्या कहेंगे उसको और डी वन जा डी हाइड्रोजन टू एधर एक और है जी बी इजकल्स टू टू डी और एक और सी एल है इधर बी है आ उधर टू सी है ए का वैल्यू वन बी पता नहीं सी जानते नहीं डी मालूम नहीं चलिए बना लिया जाए यहां से सी का वैल्यू वन हो गया यहां से बी इजकल्स टू टू इंटू वन तो बी इजकल्स टू टू हो गया और e छोटका इक्वेशन उठा लिया जाए ना तो टू एज कल्स टू डी तो टू इंटू वन इजकल्स टू डी तो टू इजकल्स टू डी d का वैल्यू कितना हो गया टू हो गया वन टू वन टू आ रहा है जी यही आ रहा है क्या बाबू लोग वन रेशियो टू रेशियो वन रेशियो टू तो वन मतलब एम जी ओ एच का होल ट्वाइस टू मतलब टू एच सी एल और एरो वन मतलब एम जी सी एल टू और टू मतलब टू एच टू ये हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन नाइन नंबर है अब लास्ट में पहुंचाए हैं हम लोग एक क्वेश्चन और चलिए वेरी गुड अब देख लिया जाए आप लोग कमेंट वन टू वन टू वन टू वन टू बहुत लोगों का है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड एक आदमी मिस फिर से डिलीट कर रहे हो नौशाद अमायरा राय फिर से डिलीट कर रहे हो गलत बात है चलिए वेरी गुड वेलकम सर टाइप मिस्टेक हो जा रहा है इसलिए टेक्स्ट डिलीट करना पड़ रहा है सॉरी सर कोई बात नहीं अगर टाइपिंग मिस्टेक है तो कोई दिक्कत नहीं है चलिए वेरी गुड संजीव कुमार बाईस तेईस हम भी तो सब किसी को मिस करिए रहे हैं नौका जो नाइल है सब ना सॉल्व करवा दिए हैं हाँ भाई ठीक है ठीक है बहुत बढ़िया चलिए तो नाइन तक एक बार ऑल क्लियर लिख दीजिए ऑल क्लियर यहां तक लिख दीजिए तब हम लोग टेन को स्टार्ट करेंगे यहां तक कोई दिक्कत नहीं है अब तो ऑल क्लियर सब लोग डाल दे तो कॉपी पे क्या लिख रहे हो ये कॉमेंट वाला सबको बोल रहे हैं भैया लोग कोहल लिखा गया अल्कोहली ने सेंचुरी मारी थी का कह का रहे है सब ये वाला कोहली कब से आ गया मनमीत सर फैन ऑल क्लियर थैंक यू निशान श्रीवास्तव निखिल कुमार कुशवाहा चंदन अनन्या ऋतुराज कुमार सिंह ब्रदर आकाश गुप्ता आयुष कुमार म्यूजिक सुन समरीन हयात नौशाद टीवीपी योगी आदित्यनाथ नीतीश जी इनको 25 लाख का लोन और दिलवाइए ना 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 अब लोन ना चाहिए हमको बड़ा दिक्कत में है ना एच एल नूटो इकोनम है जी निशांत कुमार अभय रॉल सिक्सटीन पीयूष कोमल भारद्वाज अमायरा राय ऑक्ट्रोजन ना नहीं भाई चाय नहीं पीते हैं हम बहुत आठ दस साल हो गया अमृत राज ऑल क्लियर वेरी गुड नीरज यादव अमन मिश्रा आशीष कुमार सिंह ना चलिए अमित शाह ऑल क्लियर दस पे जाया जाए जो ऑर्डर हुकुम विशाल कुमार अनन्या सरबजीत ठीक है वेरी गुड लालू प्रसाद यादव एमडी दानिश राहुल गांधी इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा हाँ तो उसी से लोनवाधा लेंगे क्या करना है एटम एंड बिन सलमान अल साउद यार बड़ी छोटा सा नाम है जी ई सऊदी अरब के प्रधानमंत्री हैं बाल रे बाल मतलब हर जगह का लोग अब आ रहा है चलिए थैंक यू अमन यादव ऑक्ट्रोजन चलिए चलिए टेन नंबर पे चला जाए जी चलिए पहले आप लोग ट्राई मारिए इसको हम तो बनाएंगे ही इट हम है ना डरते का आप लोग भी बनाइए हम है ना जहां फंसिएगा पता तो चलेगा ना कि कहां मिस्टेक कर रहे थे ट्रायंगल मतलब हीट होता है एनर्जी दे रहा है हीट के फॉर्म में कोल्ड का नहीं दिया जाता है ना ठंडा करने का जरूरत नहीं पड़ता किसी रिएक्शन में ठीक है ना गर्म करेंगे ना तो रिएक्शन जल्दी हो जाएगा कोल्ड वाला कोई जरूरत नहीं पड़ता है कोल्ड होना होगा तो अपने मने हो जाएगा ये चलेगा बायोलॉजी में अभी केमिस्ट्री चल रहा है बहुत सुंदर हिस्ट्री है कि आखिर सबसे पहली बार दही आया कहाँ से था ठीक है ना बहुत सुंदर कहानी है इसकी चलिए भैया लोग कुछ कुछ लिख रहे हैं तो नहीं हम भी पढ़ लेते हैं एस जी रेम्बो ईस्ट और वेस्ट मनमीत सर इज बेस्ट ए भैया कहाँ थे अभी तक उसी वक्त हम सोच रहे थे कहीं बड़ाई हो ही नहीं रहा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिफिकल्ट क्वेश्चंस देंगे सर नहीं बाबू उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देंगे चलिए टू वन 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 ए भाई हेलो इसको हीट एंड ट्रायल से नहीं करना है एलजेब्रिक से करना है हीट एंड ट्रायल मार के आंसर कर दे रहे हो <laughs> राहुल गांधी इधर से दूध डालो और उधर से दही निकलेगा <laughs> चलिए धन्यवाद हमारा रहकर सबसे पहले इक्वेशन आ गया टू एफ एसओ फोर नहीं लग रहा, ही रहा है कि इक्वेशन सॉल्व किया हुआ है चलिए बनाया जाए इसको बनाया जाए इसको रुक जाए सब लोग रुक जाए सब लोग अभी कोई मैसेज ना करे हम नहीं पढ़ पा रहे हैं एक बार इसको देखा जाए देखिए करेंगे क्या हम लोग FeSO4 फोर है ना एफ ई एसओ फोर एर ओ एफ ई टू ओ थ्री प्लस एसओ टू प्लस एसओ थ्री चलिए यहां ए यहां बी यहां सी और यहां डी चलिए फॉर अभी लिखिएगा नहीं बस समझिएगा एफ ई एस ओ एफ ही कितना है ए और इधर एफ ही कितना है टू बी दूसरा कोई एफ ही नहीं है एस ए इधर यहां पर नहीं है यहां पर है एस टी प्लस डी ओ फोर ए इजकल्स टू प्लस टू सी प्लस थ्री डी अब हम लिखते हैं यहां पर अपना वैल्यू एजकल्स टू वन बी पता नहीं सी मालूम नहीं डी जानते नहीं चलिए स्टार्ट कर दिया जाए पहले ही इसको उठाते हैं एजकल्स टू टू बी सो वन इजकल्स टू टू बी सो b इजकल टू वन बाई टू चलिए b का वैल्यू आ गया क्लियर है चलिए इस वाले इक्वेशन को उठाया जाए इस वाले को यहां से देखिएगा ध्यान से यहां पर एजकल्स टू क्या हुआ कोई दिक्कत है a इक्वल्स टू सी प्लस डी है a का वैल्यू वन इसकल टू सी प्लस डी है किसी एक का वैल्यू निकाल लेते हैं सी का निकाल ले तो so, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा डी को इधर भेजेंगे तो वन माइनस डी छेड़ना नहीं है यहीं पे छोड़ देना है ठीक है ना यहीं पे छोड़ देना है रुक जाइए अब अब चला जाए उसके पास फोर ए इजकल्स टू थ्री बी प्लस टू सी प्लस थ्री डी बात यह है ना कि यहां गो वेरिएबल है इसका भी वैल्यू पता नहीं है इसका भी वैल्यू पता नहीं है जब दो गो का वैल्यू पता नहीं हो ना तो एक किसी का वैल्यू दूसरे के टर्म में निकाल के छोड़ देना चाहिए इंटू वन बाई टू टू सी तो टू और सी का वैल्यू क्या निकाले हैं वन माइनस डी तो वन माइनस डी प्लस थ्री डी फिर से फिर से सुनिए आराम से फोर ए प्लस थ्री बी सॉरी थ्री बी प्लस टू सी प्लस थ्री डी फोर ए तो ए का वैल्यू वन थ्री बी का वैल्यू हाफ टू और सी तो सी के जगह पर सी का वैल्यू जो हम निकाले थे इक्वेशन नंबर टू से उसको पुट कर दिए तो ये हो गया फोर इजकल्स टू थ्री बाई टू प्लस टू माइनस टू डी प्लस थ्री डी टू आ गया टू माइनस थ्री आया तो थ्री बाई टू और टू डी प्लस थ्री डी माइनस टू डी प्लस थ्री डी डी टू डू जब फोर माइनस थ्री डी का वैल्यू हाफ अब डी का वैल्यू हाफ निकल गया डी का वैल्यू हाफ निकल गया एक बार और सॉल्व कर देते हैं रुक जाइए, एक बार और सॉल्व कर देते हैं कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही होगी ध्यान से देखिए एक बार और सॉल्व कर देते हैं हम समझ रहे हैं ये थोड़ा सा आप लोगों को टफ पड़ रहा है ना? देखिए फोर ए है तो फोर इंटू ए का वैल्यू वन थ्री बी है तो थ्री इंटू बी का वैल्यू हाफ टू सी है तो सी का वैल्यू वन माइनस डी और प्लस थ्री डी तो फोर इजकल्स टू थ्री बाई टू प्लस टू माइनस टू डी इजकल सॉरी प्लस थ्री डी तो टू इधर लाएंगे तो फोर में से टू जाएगा टू और थ्री बाई टू इधर लाएंगे तो माइनस थ्री बाई टू इजकल्स टू माइनस टू डी प्लस थ्री डी डी तो टू टू जब फोर में से थ्री जाएगा वन तो डी का वैल्यू हो गया हाफ अब उस डी को यहां पे रखते हैं डी का वैल्यू हो गया हाफ तो सी इज़ इजकल्स टू वन माइनस हाफ तो सी का वेल्यू हाफ वन में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा अब वन रेशियो वन बाई टू रेशियो वन बाई टू रेशियो वन बाई टू टू से मल्टीप्लाई क्योंकि टू एल सी एम है सबका टू 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 रेशियो वन रेशियो वन रेशियो वन मतलब टू एफ ई टू सॉरी एफ ई एसओ फोर एफई एसओ फोर इजकल्स टू एफ ई टू ओ थ्री प्लस एसओ टू प्लस एसओ थ्री यही हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया यही हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया चिंता नहीं करें वंस मोर अच्छा ठीक है बता रहे हैं बता रहे हैं एक बार और बता रहे हैं डोंट वरी एक बार और बता रहे हैं ओके okay? आपने चश्मा क्यों लगाया है वो लाइट बहुत ज्यादा है ना आसपास में कहीं आंख खराब हो गया तो बचा के रख रहे हैं सरबजीत कुमार सही है भाई बहुत अच्छे बहुत अच्छे <laughs> <laughs> में आईडी बनाने में एकदम एक से एक माहिर है सब चलिए ओके क्लियर है क्लियर चलिए एक बार हम और इसको ध्यान में देते हैं ना? योगी आदित्यनाथ ये गलत बात है भाई ये सब क्वेश्चन नहीं करना चाहिए हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं ना? चलिए एक बार और भैया लोग का कहना है इसको सॉल्व कीजिए एक बार और सॉल्व करते हैं चिंता नहीं करनी एक बार और सॉल्व होगा ठीक है ना चलिए हाँ रेशियो तक यहां तक ला करके छोड़ दिया जाएगा बाबू ये रेशियो आ गया ना तो रेशियो का एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है वो तो आप लोग जानते ही हो ना? इसको एक बार और सॉल्व कर दिया जाए ध्यान देंगे इसके लिए हम यूज करते हैं ग्रीन पेन ग्रीन पेन दिखाई नहीं देगा यूज करते हैं यूज करते हैं रेड पेन रेड पेन भी दिखाई नहीं देगा चलो व्हाइट पेन एफ ई e है एफ ही ए है ए, और इधर हो गया टू बी तो टू बी है एस हो गया ए तो ए और इधर ए वो यहां पर है तो सी और यहां पर है तो डी तो सी प्लस डी हो जाएगा ऑक्सीजन है तो फोर ए तो फोर ए थ्री बी तो थ्री बी टू सी तो टू सी और थ्री डी तो थ्री डी क्लियर चलिए इस वाले वाला एक क्वेश्चन टू टू बी तो ए का वैल्यू वन तो बी का वैल्यू टू इधर चला जाएगा हाफ तो बी का वैल्यू हमने क्या लिख दिया हाफ नेक्स्ट ए इजकल्स टू सी प्लस डी ना तो सी मालूम है ना तो डी मालूम है सी और डी दोनों ही मालूम नहीं था तो इसी कारण से हमने सी का वैल्यू निकाल लिया ए का वैल्यू वन सी का सी डी का डी तो सी का वैल्यू निकाला डी को इधर भेज वन माइनस डी डी तो यहां पर लाके छोड़ दिया ये अभी बाद में बनाए हैं अब फोर्थ इक्वेशन थर्ड फोर ए तो ए का वैल्यू वन तो फोर इंटू वन थ्री बी तो बी का वैल्यू हाफ देखो यहां पर हाफ पहले ही ला दिए हैं सी तो सी का वैल्यू है वन माइनस डी तो वन माइनस डी हो जाएगा और थ्री डी मल्टीप्लाई किए हैं तो डी का वैल्यू कितना आ गया हाफ डी का वैल्यू रखे तो सी का वैल्यू कितना आ गया समझे हैं सब लोग चलिए वेरी गुड तो एक बार सभी लोग ऑल तो भाई मेरे आज का क्लास यहीं पे खत्म हो गया फिर बड़ी पिटाई होगा ऑल क्लियर लिख दीजिए तो भैया लोग कल सुबह में क्लास भी है हमको जगना भी है चलिए वेरी गुड राहुल गांधी कह रहे हैं मेरी भी शादी नहीं हो रही है टेंशन नहीं लेने का मनमीत बाबू बड़ा इमोशनल हो रहे हैं जी चलिए बोर्ड एग्जाम इज नियर नो नीड टू फियर बिकॉज हीरो इज ऑन लाइव ऑन हियर अरे वाह बड़ा शायरी है जी चलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थेंक यू. आईपीएल तो में कौन सी टीम को सपोर्ट कर दे? यार आज तक कभी मैच नहीं देखे हैं हमको यू नहीं मालूम है आईपीएल में कौन टीम कैसे तो तो ना हम आईपीएल देख रहे होते पढ़ाते समझो आप लोग चिंता ना करें एक बार देख लेते कौन कौन लिखे है विशाल कुमार अनन्या नीरज यादव ना ब्रदर निशांत कुमार कुशवाहा चंदन निखिल कुमार अमृतराज शॉर्ट्स राहुल कुमार मोहित कुमार निशांत कुमार अमायरा राय ऋतुराज सिंह टेक्निकल वीडियोज सरबजीत कुमार आयुष कुमार वसीम राजा कोमल भारद्वाज अनन्या फैजल नौशाद मनमीत सर फैन तबरेज आलम सिर्फ डीपीपी करा रहे हैं नहीं भाई ये डीपीपी नहीं है डोंट वरी कहा गया जी क्यों बतिया रहे थे हम हाँ अमृत राज शॉर्ट्स ऋषिका सिंह आदर्श एटम एंड स्टफ ठीक है अमन यादव ब्रोटर है अच्छा ठीक है बाबू ब्रोटर हम गलती हमको लगा स्पेलिंग में मिस्टेक इसीलिए ब्रदर बोल दिए हैं पचास नंबर का टेस्ट है भैया लोग आयुष्मान कुमार कुमार कार्तिकेय योगी आदित्य यहाँ क्या कर रहे हैं हम इनको सीएम बनाए हैं एक से एक है लोग डीपीपी का हो गया है डाउट सारे डीपीपी का डाउट हो गया है चलिए रहने दिया जाए थैंक यू बाय ऑल ऑफ यू गुड नाइट कोई भी दिक्कत हो हमारा टेलीग्राम नंबर है सेवन टू सेवन डबल नाइन ट्रिपल जीरो नाइन थ्री ये हमारा टेलीग्राम नंबर है टेलीग्राम आप हमको मैसेज कर सकते हैं कोई भी दिक्कत हो रही है कॉल नहीं कर सकते हैं हम कॉल रिसीव नहीं करते हैं ओके ओके थैंक यू राजकुमार बहुत लेट हो गया अभी समय नहीं हो पाएगा कल करते हैं उसको कल या परसों लाइव क्लास लेंगे ना तो उसको करते हैं हम ठीक है ना चलिए गुड नाइट ऑल ऑफ यू गुड नाइट थैंक यू अरे बुक छूट गया जी किसी का अलार्म लगा लीजिए हाँ बाबू अलार्म तो लगाना ही पड़ेगा वैसे कल पहले टेस्ट होगा उसके बाद पढ़ाई होगा फर्स्ट बैच में ठीक है बाय गुड नाइट थैंक यू